गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिप्टन अकेडमी ऑफ केमिस्ट्री। आम साहिल, लास्ट टाइम अपना क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसैप्ट ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस कर लिया सी। आज आप स्टार्ट कर जा रहे हैं क्लास 11 का सैकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अज आप पढ़ा डिस्कवरी ऑफ इलैक्ट्रॉन कि इलैक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, आपने उसका नाम इलैक्ट्रॉन ही क्यों रखा कि इलैक्ट्रॉन के उपर नैगेटिव चार्ज होंगे। अज आप सब चीज़ डिस्कस करा इन द डिस्कवरी ऑफ इलैक्ट्रॉन। इलैक्ट्रॉन डिस्कवरी स्टार्ट करन तो पहला आप थोड़ी जी गल करते हैं एटम की। जो एटम है ना, एटम की डिस्कवरी कई साल पहले ही हो गई थी। एटम डिस्कवरी की थी इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स ने। काफ़ी टाइम पहला इंडियन ते जिहड़े ग्रीक फिलोसफर सी उन्होंने एटम की डिस्कवरी की अराउंड 400 BC। हुन ग्रीक्स ने एटम का नाम किवें रखिया? ग्रीक्स ने एटम का नाम रखिया एक ग्रीक वर्ड तो। एटम का नाम एक ग्रीक वर्ड तो पिया जिसका नाम है अटोमियो। ग्रीक वर्ड की सीगा अटोमियो। अटोमियो का मतलब है अनकटेबल, जिसनू कट नहीं किया जा सकता, या नॉन डिविजिबल, या नॉन डिविजिबल जिसनू डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसनू आपां की बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ठीक है, ग्रीक वर्ड तो बने चीज़ का नाम की है अटोमियो। जिहड़ी फर्स्ट प्रोपर थ्योरी सी, जो फर्स्ट प्रोपर थ्योरी सी एटम दी, वो किसने दिती? डाल्टन ने। फर्स्ट प्रोपर थ्योरी किसने दिती आपां नूं? डाल्टन ने। डाल्टन की कहिंदा सीगा, कहिंदा कोई भी मैटर है या कोई भी सबस्टांस है वो मिलके बनिया हुंदा है छोटे छोटे पार्टीकल्स तो। उन्हां छोटे छोटे स्फेरिकल पार्टीकल्स नूं, वो छोटे छोटे स्फेरिकली शेप्ड पार्टिकल्स नूं आपां की बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ये तुहानूं डाल्टन थ्योरी मैं लास्ट चैप्टर दे विच भी करवाई है। ठीक है, हुण जिहड़ा एटम है ना, एटम नूं अगे फरदर डिवाइड किया जाता है, एटम अगे फरदर कंस्टीट्यूट। एटम किसका बनया होया? एटम बनया होया इलैक्ट्रॉन का, प्रोटोन का, न्यूट्रॉन का। ये एटम के सब अटोमिक पार्टीकल ने जिस तो एटम मिलके बनया होया। किस तो बने? इलैक्ट्रॉन्स, प्रोटोनस ते न्यूट्रॉन्स। पहले बेसिकली गल करते इलैक्ट्रॉन की, अज आप सिर्फ इलैक्ट्रॉन की गल ही करांगे। ठीक है, ऐ तुहानू पता है कि एटम का एक पार्ट है, वो पार्ट कौन है? इलैक्ट्रॉन। चार्ज क्यों होता इलैक्ट्रॉन के उपर? नैगेटिव चार्ज। जिन्ने नंबर ऑफ प्रोटोन होंगे है एक एटम के, उन्नी नंबर ऑफ की होंगे इलैक्ट्रॉन। तो याद रखियो, नंबर ऑफ प्रोटोन तो नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन एटम के होंगे है सेम होंगे। जो एटम, जो इलैक्ट्रॉन है ना, वो सेंटर के हैवली चार्ज बॉडी होंगी है जिसनों बोलते हैं न्यूक्लीअस। इस डिटेल के पढ़ा, इस अराउंड इलैक्ट्रॉन की करते हैं? सराउंड करते हैं। जिहड़ा न्यूक्लीअस का पॉजिटिव चार्ज है वो इलैक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके रखता है, क्योंकि इलैक्ट्रॉन के उपर चार्ज कहड़ा होंगे? नैगेटिव चार्ज होंगे। हुण आपां सब गल डिस्कस करनी है कि इलैक्ट्रॉन का नाम किसने दिता, इलैक्ट्रॉन के उपर नैगेटिव चार्ज कितों आया, कि इलैक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर है, कि इलैक्ट्रॉन का वेव नेचर है। हुण जो इलैक्ट्रॉन की डिस्कवरी है, इलैक्ट्रॉन डिस्कवरी की सी जे जे थॉमसन ने। इलैक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जे जे थॉमसन ने, इन 19th सेंचुरी दे विच जे जे थॉमसन ने इलैक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। उसने इलैक्ट्रॉन डिस्कवरी किवें की? उसने एक हार्ड ग्लास ट्यूब ली, उसने की किया? एक हार्ड ग्लास ट्यूब ली जिसका नाम की सीगा हार्ड ग्लास ट्यूब का? क्रुक ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब। एक हार्ड ग्लास ट्यूब ली जिसका नाम की सीगा क्रुक ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब। उस दे विच की किया इसने? उस ट्यूब दे विच दो मैटल इलैक्ट्रोड सीगे। उस ट्यूब के अंदर की सीगे? दो मैटल इलैक्ट्रोड्स। उन्होंने दो मैटल इलैक्ट्रोड्स नू
उन्हां दो मेटल इलैक्ट्रोड्स नूं इसने कनैक्ट करता एक हाई वोल्टेज बैटरी दे नाल। ठीक है, एक हाई वोल्टेज बैटरी नाल की करता कनैक्ट करता, यह नैगेटिव टर्मीनल है तो अपना की है पॉजिटिव टर्मीनल है, मतलब ये अपना नैगेटिव है ये अपना की है पॉजिटिव। ठीक है, तो इस दे विच उसने गैस फिल करती जिस गैस का नाम की सीगा कोई भी अननोन गैस इसने फिल करती। ठीक है, इस ट्यूब के अंदर इसने कोई भी गैस की करती फिल करती, जो इसने गैस फिल की, ठीक है, कोई अननोन गैस इसने की करती फिल करती, गैस फिल भी करती तो नाल की लगाता एक वैक्यूम पंप, नाल की लगाता एक वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप को लगाया इसने, आ एक वैक्यूम पंप लगाता, वैक्यूम पंप को लगाया इसने ताकि आपा डिजायर्ड प्रेशर ऑबटेन हो सके। वैक्यूम पंप का काम है कि आपां नूं डिजायर्ड जिन्ना प्रेशर आपां चाहिए उन्ना प्रेशर आपां नूं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मिल सके। ठीक है, सब तो पहला जो इसने हाई वोल्टेज बैटरी से, हाई वोल्टेज बैटरी जो तो ऑन किया काफ़ी अमाउंट के करंट पास किया। ठीक है, जो गैस हाई प्रेशर के उपर सी तो आपां नूं कुछ भी ऑबजर्व नहीं होया, जो गैस अंदर हाई प्रेशर के उपर सी आपां नूं कुछ भी ऑबजर्व नहीं होया। ठीक है, जो ये ट्यूब है इस ट्यूब नूं बोलते डिस्चार्ज ट्यूब या क्रुक्स ट्यूब। ये ट्यूब बनाई किसी ने, क्रुक ने बनाई सी, तो नाम की पै गया क्रुक्स ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब। फिर इसने की किया गैस के प्रैशर घटाता गया, गैस के प्रैशर घटाता गया घटाता गया घटाता गया, तो गैस का प्रैशर ने काफ़ी ज़्यादा लो करता। ठीक है, वैक्यूम पंप का काम की है कि अंदर वाले प्रैशर रेगुलेट करना। ठीक है, वैक्यूम पंप अंदर वाले गैस के प्रैशर की करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, तो प्रैशर घटाता गया घटाता गया घटाता गया, जो इसने प्रैशर घटाया तो इसने की ऑब्जर्व किया, जो अंदर वाली गैस है, जो अंदर वाली गैस है वो गैस की होगी आयोनाइज। बहुत ज़्यादा प्रैशर घटाने के उपर जो गैस सी गैस की होगी आयोनाइज होगी। जो गैस आयोनाइज हुई काफ़ी ज़्यादा लो प्रैशर के उपर जो इसने की अप्लाई किया, वैन ए हाई वोल्टेज अप्लाइड टू ए गैस एट वेरी लो प्रैशर। ठीक है, गैस का अंदर का प्रैशर बहुत घट करता तो काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई करती, तो गैस लो प्रैशर के उपर की बन जाती कंडक्टर, गैस लो प्रैशर के उपर की बन गई कंडक्टर। तो उसी याद रखना है गैस हमेशा हाई प्रैशर के उपर इंसुलेटर होंगी है। आप वैक्यूम पंप को लगाया सीगा ताकि गैस का प्रैशर की कर दी आप घटा दीए, तो गैस लो प्रैशर के उपर की होंगी है कंडक्टर, गैस लो प्रैशर के उपर की है कंडक्टर। ठीक है, तो गैस की होगी कंडक्टर, गैस की होगी इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लग गई, तो गैस के विचों करंट फ्लो होने लग गया, काफ़ी ज़्यादा लो प्रैशर से गैस के विचों की फ्लो होने लग गया, करंट फ्लो होने लग गया। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इन द फॉर्म्स ऑफ रेज। हुण आपां नूं किवें पता कि इधरों इलैक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, कि इधरों इलैक्ट्रॉन कुछ पार्टिकल्स, आपां नूं किवें पता कि इस दे अंदर पार्टिकल्स की कर रहे हैं फ्लो कर रहे हैं। तो इसने की किया, जो ये एनोड वाला, जो एनोड वाला मेटल इलैक्ट्रोड है इसने की करता पैरफोरेटेड करता, पैरफोरेटेड मतलब एनोड वाली रोड के विच इसने होल्स करते, जो एनोड वाली रोड सी जिवें एनोड वाली रोड है इस दे विच की करते ने होल्स करते। होल्स करन दा की बेनीफिट है, अगर इधरों कोई पार्टिकल्स आए होने, अगर इधरों कोई पार्टिकल आए होने वो होल दे विचों की कर जाएंगे पास आउट, तो जो बाउंड्री है जो बिल्कुल लास्ट के उपर बाउंड्री है इसकी कोटिंग करती है इसने जिंक सल्फाइड के नाल, इसकी कोटिंग करती जिंक सल्फाइड के नाल। तो जो जिंक सल्फाइड है एक फ्लोरीसेंट सबसटांस है, किहोजा सबसटांस है एक फ्लोरीसेंट, योजा सबसटांस है जो भी इस उपर कोई पार्टीकल हिट करता है, जो भी कोई पार्टीकल जिंक सल्फाइड के उपर हिट करता है, तो जो जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड की प्लेट की करती है ग्लो करती है, जिंक सल्फाइड की प्लेट की करती है ग्लो करती है। तो जो इसने विच होल किए जो लास्ट के उपर अपना जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई सी पार्टीकल पास होने एनोड के विचों ए वाली रोड की करन लग गई अपनी लास्ट ट्यूब जिसने कोटिंग की आप जिंक सल्फाइड के नाल वो ट्यूब की कर रही है ग्लो कर रही है। जो तो ट्यूब ग्लो हुई तो इसने ऑब्जर्व किया कि कुछ ना कुछ पार्टीकल तो ने जो कैथोड टू एनोड वाल जा रहे हैं, तो इसकी फस्ट ऑब्जरवेशन की सी जो तो कैथोड तो एनोड वाल
एनोड की लगाया सी इसने, पैरफोरेटेड मतलब उस दे विच की सीगे होल सीगे, रेस पास हुई हैं, लास्ट से कोटिंग की जिंक सल्फाइड की, तो इसमें कुछ उरे स्पोर्ट्स मिले। तो इस इसने कंक्लूड करता कि कैथोड तो एनोड वाले कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं, कुछ रेस आ रही है, उन्होंने रेस में की नाम बोलते इन्होंने, इसमें चार्ज जो नहीं पता सी तो नाम की रखता सिंपली उन्होंने कैथोड रेस, जो रेस कैथोड तो एनोड वाल आ रही है उन्होंने रेस में की बोलता कैथोड रेस। उस तो बाद हुण इसनू की पता कि जिहड़ी रेस ने स्ट्रेट लाइन दे विच ट्रैवल करती है, ठीक है, तो इसने की किया कैथोड तो कुछ रेस निकल रही है निकल रही है निकल रही है, आ कैथोड तो कुछ रेस निकल रही है निकल रही है, जो वो रेस कैथोड तो निकलियाँ तो एक व्हील नू हिट कीतियाँ, रस्ते दे विच की रखता है ने कोई ऑब्जैक्ट रखता, कोई शैडो रखती, रस्ते दे विच की रखता है ने कोई ऑब्जैक्ट रखता। हुण तुहानूं पता है अगर ऑब्जैक्ट दे उपर, अगर ऑब्जैक्ट दे उपर ये रेस पैन गया तो ऑब्जैक्ट की क्रिएट होगी शैडो, तो ऑब्जैक्ट की क्रिएट होगी शैडो, और जो शैडो सी वो कैथोड की ओपोजिट साइड से जनरेट हुई। हुण तुहानूं भी पता है अगर अपने उपर रोशनी पैंदी है तो शैडो भी जनरेट होंदी है ऑन द ओपोजिट साइड, तो इतों इसने कंकलूड किया कि कुछ रेस आ रही है कैथोड टू एनोड वाल जा रही है तो उसकी शैडो की क्रिएट हो रही है ऑन द ओपोजिट साइड ऑफ कैथोड, ये अपना ऑब्जैक्ट सीगा तो इसकी की सी शैडो। इतों इसने कंकलूड करता कि जिहड़ी ये रेस ने इस स्ट्रेट लाइन दे विच की करती है ट्रैवल करती है, जो रेस ने स्ट्रेट लाइन दे विच की कर रही है ट्रैवल कर रही है। दूसरा इसने पढ़िया मकैनिकल इफेक्ट, दूसरा इसने की पढ़िया मकैनिकल इफेक्ट, मकैनिकल इफेक्ट दे विच की कीता इसने, जो नैगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज वाल कुछ रेस जा रही सी उन्हां रेस दे रस्ते दे विच एक व्हील रखता, उन्हां रेस दे रस्ते दे विच की रखता एक व्हील रखता, जो रेस व्हील दे उपर टकराइया, जो रेस व्हील दे उपर टकराइया तो तुहानूं क्लीयरली दिख रहा है व्हील क्लॉकवाइज रोटेट करन लग गया, जो व्हील सी अपना वह क्लॉकवाइज की करन लग गया रोटेट। हुण जो व्हील है अपना वो क्लॉकवाइज कदों रोटेट करेगा, जदों कोई पार्टिकल इसनूं लैफ्ट साइड तो आके राइट डायरेक्शन वाल हिट करेगा, अगर कोई पार्टिकल लैफ्ट साइड तो आके राइट डायरेक्शन वाल की करेगा हिट करेगा ताइयों ये व्हील की करेगा रोटेट करेगा। हुण देखो हुण इस तों बाद की देखिया इसने, जदों इसने फ्लोरीसेंट कोटिंग कीती सी, इसने उरे फ्लोरीसेंट की कीती सी कोटिंग, आपां नूं पता है कि रेस विजिबल नहीं हैगी, जो इलैक्ट्रॉन्स ने आपां नूं इसका पाथ विजिबल नहीं हैगा, बट फिर भी आपां इसनूं ऑब्जर्व कर सकते हैं, किवें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रस्ते दे विच की लगा दी एक व्हील लगा दीए, व्हील वाले कड़े इफेक्ट है मकैनिकल इफेक्ट, कड़े इफेक्ट सी मकैनिकल इफेक्ट, अगर आपां फिर भी कुछ ब्राइट स्पॉट्स देखने हो तो आप उरे की लगा देंगे कोई फ्लोरीसेंट या फोस्फोरीसेंट सबसटांस लगा देंगे, यहोजा सबसटांस जिसनों जो कोई पार्टिकल हिट करता है तो यह वाला पार्टिकल की करता है ग्लो करता है, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है जो अपने टीवी होंगे सी, जो अपने पुराने टीवी होंगे सी उस दे विच की होंगे सी कैथोड ट्यूब्स होंगे सी, कैथोड ट्यूब्स उपर आके इलैक्ट्रॉन वारी वारी हिट करते सी, जो पुराने टीवी होंगे सी ब्लैक एंड वाइट उस दे विच वड्डी वड्डी कैथोड ट्यूब्स होंगे सी, जिन्ना जो इलैक्ट्रिसिटी पास करते सी तां इलैक्ट्रॉन आके तां इलैक्ट्रॉन्स आके कैथोड ट्यूब्स नूं की करते सीगे हिट करते सी, ठीक है। वो जो ऑब्जरवेशन सी फ्लोरीसेंट ट्यूब्स तो वो ऑब्जरवेशन की कंक्लूड करती है अपनी कि उत्थे भी जो पार्टिकल्स हिट कर रहे सी कैथोड तो पार्टिकल निकल रहे सी, ते स्क्रीन अपनी किसकी बनी हुई सी फ्लोरीसेंट सबसटांस की, जो स्क्रीन सी किसकी बनी हुई सी फ्लोरीसेंट सबसटांस की, कैथोड तो रेस निकलियाँ फ्लोरीसेंट सबसटांस नूं की कीतियां हिट कीतियां, फ्लोरीसेंट सबसटांस की कर रहा है ग्लो कर रहा है, ता ही आपां नूं टीवी दे उपर विजिबिलिटी कोई पिक्चर दिखाई देंदी सी, तां इत्थों कंक्लूड किया कि कैथोड तो रेज आती है फ्लोरीसेंट सबसटांस से हिट करती है तो आपां कुछ ना कुछ शाइनी अपीरेंस आऊगी, तो पुराने टीवी दे विच ये कॉन्सैप्ट यूज़ किया जाता सी, ठीक है। हुण आपां देखना है कि रेज दे उपर नैगेटिव चार्ज है कि रेज दे उपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसने की किया जो अपनी कैथोड टू एनोड वाल रेस आ रही सी, ठीक है, तो उस दे उपर एक एक्सटर्नल बैटरी लगाती, एक एक्सटर्नल की लगाता इलैक्ट्रिक फील्ड लगाता, एक पासे चार्ज है नैगेटिव एक पासे चार्ज है पॉजिटिव,
ठीक है, तो की लगाती एक फ्लोरिसेंट ट्यूब लगाती। तुम्हें पता फ्लोरिसेंट ट्यूब का की काम है, जो कोई पार्टिकल हिट करूगा तो ट्यूब की करूगी ग्लो। तो उरों कोई पार्टिकल आया, वो पार्टिकल नैगेटिव चार्ज वाल नहीं मुड़िया, जो उरों पार्टिकल आ रहा सी आ रहा सी आ रहा सी, वो पार्टिकल नैगेटिव चार्ज वाल नहीं मुड़िया, वो पार्टिकल किहड़े चार्ज वाल मुड़ गया, पॉजिटिव चार्ज वाल। जो पार्टिकल आ रहा सी वो नैगेटिव चार्ज वाल नहीं मुड़िया, वो किहड़े चार्ज वाल मुड़ गया, पॉजिटिव चार्ज वाल। हुण तुहानूं पता है पॉजिटिव चार्ज नूं प्यार कौन करदा है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इथों कंकलूड किया कि जो कैथोड रे सारी है उन्होंने उपर कि चार्ज है, नैगेटिव चार्ज है, क्योंकि नैगेटिव चार्ज ही किस दे वल डिफलैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज वल। ठीक है, मतलब उसका पाथ की कर गया, डेविएट कर गया दैन एक्चुअल पाथ, बट वो नैगेटिव चार्ज वल डेविएट नहीं किया, जो उरो नैगेटिव चार्ज जो उरों कोई चार्ज आ रहा है वो किस वल डेविएट किया है, पॉजिटिव चार्ज वल। तो इतों कंकलूड किया कि अनलाइक चार्ज आपको पता है अट्रैक्ट करते हैं, तो उसके उपर चार्ज की है, नैगेटिव चार्ज है। एक ऑब्जरवेशन इसकी होर सी, इसने इस दे रस्ते दे विच, इसने इस ट्यूब दे डिस्चार्ज ट्यूब दे रस्ते दे विच मैटल की प्लेट रखती, मैटल की प्लेट में थिन फॉइल रखती, बिल्कुल पतली एक मैटल की प्लेट रखती, बिल्कुल एक थिन फॉइल रखती। तो थिन फॉइल के उपर इलैक्ट्रॉन हीट किए एक मैटल प्लेट के उपर, तो जी मैटल प्लेट सी थिन फॉइल हीट हो गई। इतों पर यह भी कंकलूड किया कि यह रेस की प्रोड्यूस करती है, हीटिंग इफेक्ट कि जो रेस ने यह की प्रोड्यूस करती है, हीटिंग इफेक्ट याद रखना है। ठीक है, यह रेस किस ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन के, दिस रेस ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड तो निकलते एनोड वल जाती है। इन्हों का पाथ विजिबल नहीं है, बट इन्हों आप ऑबजर्व कर सकते हैं कुछ मटीरियल लगा के, जिस मटीरियल की बोलते हैं फ्लोरिसेंट या फोस्फोरिसेंट सबस्टांस, जिन्हों आप हिट करते हैं तो की आती है, ब्राइट स्पॉट्स मिलते हैं। ये की प्रोड्यूस करते हैं, मकैनिकल इफेक्ट, व्हील घूमन लग गया सी ना, तो इसमें की बोलते हैं कि एक प्रोड्यूस करते हैं मकैनिकल इफेक्ट। ये रेस डेविएट हो जाती है जो इलैक्ट्रिक फील्ड या मैगनैटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, जो भी इलैक्ट्रिक फील्ड या मैगनैटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो यह रेस की कर जाती है, डेविएट कर जाती है। ठीक है, उस तो बाद आप कंकलूड किया जो मैटल फाइल में हिट किया, मैटल फाइल में हिट करन ते मैटल फाइल सी वो की होगी, हीटअप होगी, मैटल फाइल हीट होगी। इतों आप भी कंकलूड किया कि यह रेस हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है। तो देखा होगा जो भी किसी कंडक्टर के विचों या किसी वायर के विचों करंट फ्लो करता है तो वायर की हो जाती है, हीटअप हो जाती है। ठीक है, जो अपनी करैक्टरिस्टिक है कैथोड रे की, वो डिपेंड नहीं करती कि आप गैस कहोजी यूज की है, गैस कोई मर्जी पाओ कोई गल नहीं। ठीक है, इलैक्ट्रोड एक मतलब नहीं कि आयरन का इलैक्ट्रोड यूज किया किसी गोल्ड का इलैक्ट्रोड यूज किया है, तो इलैक्ट्रोड पर कोई डिपेंडेंस नहीं है, कैथोड रेस उवें बिहेव करनगियां, चाहे कैथोड चाहे आप आयरन दे रोड लगा दिए, मैटल इलैक्ट्रोड चाहे आयरन का होवे चाहे सिल्वर का होवे चाहे गोल्ड का होवे, गैस उरे हाइड्रोजन गैस पाओ हीलियम गैस पाओ कोई मतलब नहीं, कैथोड रेस का बिहेवियर की होगा, सेम होगा। इन्ना सारी ऑब्जरवेशन करन तो बाद, यह सारी ऑब्जरवेशन करन तो बाद ये अपने डाल्टन सॉरी ये अपने की ने जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन ने की कंकलूड किया, जे जे थॉमसन ने कंकलूड किया कि कुछ नैगेटिव चार्ज पार्टिकल ने वह कैथोड टू एनोड वल आ रहे ने, उन्होंने नैगेटिव चार्ज पार्टिकल नू की नाम देता उसने, इलैक्ट्रॉन नाम देता। तो जे जे थॉमसन ने इस तरीके दे नाल डिस्कवरी करती इलैक्ट्रॉन की। ठीक है, ये जे जे थॉमसन के सिग्नेचर्स ने, यह जे जे थॉमसन की है पिक्चर है, ये अपना इलैक्ट्रॉन है, यह सेंटर हैवली बॉडी है जिसका नाम की है न्यूक्लीअस। इतों जे जे थॉमसन ने कंकलूड किया है कि उस पार्टिकल को की बोलते हैं आप, इलैक्ट्रॉन बोलते हैं, उस दे उपर चार्ज की होंगे, नैगेटिव चार्ज। इस दी कुछ ऑब्जरवेशन सी, होप सो तो वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो जरूर लाइक करो तो चैनल जरूर सबसक्राइब करो। थैंक यू।